नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट झटपट। आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम बनाने वाले हैं करेले की सूखी सब्जी। तो इसके लिए हमने करेले के सारे छिलके उतार दिए हैं और इसमें अच्छी तरह से नमक मिलाकर रख दिया है। एक चम्मच मैंने नमक इसमें डाल दिया है और अब हम इसे ढक कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और अच्छी तरह से हम इसमें जो पानी निकला हुआ है उसे धो लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच नमक, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और अब डाल देंगे हम इसमें जीरा। जीरा पाउडर अगर आप डालेंगे तो और बेहतर रहेगा। और अब हम इन सब सामग्री को टास्क कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिला देंगे। अभी मसाला अच्छी तरह से इसमें मिल गया है। अब तवा गरम करके हम इसमें तेल डाल देंगे और डाल देंगे एक एक करके सारे करेले, जितने करेले इस तवे में आ जाए। और इन्हें थोड़ी देर पकने के बाद पलट देंगे। अब हम इन्हें ढककर पकाएंगे मीडियम आंच पर ही। पाँच मिनट बाद हम इन्हें खोल कर देखेंगे। ये देखिए करेला पक गए हैं, लेकिन हमें ये एकदम नमी नहीं चाहिए। इन्हें हम एकदम क्रिस्पी बनाएंगे और मीडियम आंच पर हम इन्हें फ्रेश करके इन्हें तलेंगे ताकि इनके अंदर का जो सारा पानी सूख जाए और ये एकदम क्रिस्पी बन जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो के संग आप तक पहुँच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा। तो देखिए इस तरह से हम एक एक पीस को इस तरह से प्रेस करते जाएंगे जिससे कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा सूख जाए और इनकी जो कड़वाहट है वो पूरी एकदम निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है कि ये करेले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। तो ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।